हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल एज वी हैव स्टडीड अर्लियर सॉल्ट है ना देयर फॉर्मेशन फैमिली ऑफ सॉल्ट एक्सेट्रा नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम कॉमन एंड यूजफुल सॉल्ट ठीक है देयर फॉर्मेशन एंड देयर यूजेस आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्टस जिनका फॉर्मेशन एंड उनका यूजेज कैसे क्या क्या यूज है ठीक है तो फर्स्ट है इसके अंदर द फर्स्ट इज कॉमन सॉल्ट एज एवरी वन नोज दैट कॉमन सॉल्ट इज वॉट एन ए सी एल ओके सो केमिकली इट इज नॉन एज सोडियम क्लोराइड ओके एनए सी एल केमिकली नॉन एज सोडियम क्लोराइड एंड ऑल्सो नॉन एज टेबल सॉल्ट टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज द मेन इनग्रीडियंट ऑफ फूड विदाउट

इट इज इट डज नॉट ओनली कंटेन एन ए सी एल ये सिर्फ एनए सी एल नहीं होता है इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड भी एडेड होता है ठीक है इसीलिए मार्केट में जो टेबल सॉल्ट आता है इन मार्केट इट इज लेबल्ड एज आयोडाइज सॉल्ट इसीलिए मार्केट में जो सॉल्ट आता है उसका लेबल होता है आयोडाइज सॉल्ट ओके इतनी बात समझ में आ गई कि क्या है सॉल्ट है क्या ठीक नाउ अकरेंस अकरेंस होता है कहां पाया जाता है ओके okay? ओके okay? पाया जाना सो इट इज फाउंड इन द फर्स्ट ऑफ ऑल सी वॉटर सो मोस्ट ऑफ अस वी नो दैट कि सी वॉटर इज कलेक्टेड इन द सेलो टैंक्स एंड द वॉटर वॉटर इज एवरेटेड है ना एवोपरेटेड वाटर इवोपरेटेड एंड द साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड सॉल्ट इज लेफ्ट ओके सो दिस बाई द एवोपरेशन ऑफ सी वॉटर फ्रॉम द सेलो टैंक नियर द सी ओके इन इंडिया इट इज कैन बी फाउंड इन मंडी ठीक है मंडी इन इंडिया इट इज फाउंड इन मुंबई एंड चेन्नई इन चेन्नई एंड मुंबई इट कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम सी वॉटर ओके मेन सोर्स है देन सेकेंड रॉक सॉल्ट रॉक सॉल्ट ओके इस नमक के रॉक्स भी पाए जाते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट इन दर्थ ओके तो पहला पाया जाता है सी वॉटर में दूसरा है रॉक सॉल्ट ओके okay? इनके पत्थर होते हैं जो रॉक के फॉर्म में होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट फाउंड इन दी अर्थ ओके एंड दैट कैन बी फाउंड हियर इन मंडी हिमाचल प्रदेश ओके इंडिया एंड खेब खेब्रा खेबड़ा ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान द प्लेस वेयर वी कैन फाउंड द रॉक सॉल्ट ठीक है तो रॉक सॉल्ट कैन बी फाउंड इन मंडी हिमाचल प्रदेश इंडिया एंड खेबड़ा पंजाब पाकिस्तान ड्यू टू द ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ सम इंप्यूरिटीजे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ समिटीज इट्स कलर इज ब्राउन ओके इट्स कलर इज ब्राउन वैसे व्हाइट होता है बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इंप्यूरिटीज इंप्यूरिटीज की प्रेजेंट की वजह से प्रेजेंस की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है रॉक सॉल्ट का कलर ब्राउन होता है ठीक है ओके कैसे uh, इसको कैसे किया जाता है जैसे हमने पढ़ा अभी सी वाटर को तो सेलो uh, टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है आफ्टर द एवेपरेशन ऑफ वाटर एवोपरेटेड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, फिर उसको क्या कर लिया जाता है प्यूरीफाई कर लिया जाता है प्यूरीफाइड ओके देन प्यूरीफाइड बट रॉक सॉल्ट क्या है अगर अर्थ की सरफेस के आसपास है तो तो डग आउट खोद कर गड्ढा खोद कर निकाल अगर सरफेस के क्रस्ट के आसपास ही है ज्यादा गहराई में नहीं है तो तो डग आउट एज द कोल माइन जैसे कोल कोल माइन होते हैं वैसे ही इनको भी खोद कर निकाल लिया जाता है बट द डीप इन द अर्थ इफ दे आर फाउंड इन डीप इन द अर्थ तो फिर क्या करा जाता है पाइप डाले जाते हैं इनके अंदर पाइप डाले जाते हैं उसके साथ में वॉटर एंटर किया जाता है वाटर में पहले ये घोला जाता है फिर उसको खींच लिया जाता है ओके अंडरस्टैंड सो दिस इज वॉट पहले वाटर डाला जाता है फिर उसको पंप्ड आउट फिर वहां से कैसे नहीं? यहां तो डग आउट होता है खोद कर निकाला जाता है यहां पंप्ड पंप करके निकाला जाता है पंप्ड आउट ओके समझ गए आप अगर सरफेस के बिल्कुल पास में ही है थोड़ा ही गहरे में है दो चार किलोमीटर दो चार मीटर तो डग आउट करके और ज्यादा गहरा है 500 मीटर हजार मीटर देन इट इज पाइप्स डालकर उसके अंदर वाटर एंटर करके डिजोल्व करके फिर उसको पंपड आउट किया जाता है मोटर के थ्रू ओके okay? तो ये मिलता है ऐसे करके थर्ड इज इनलैंड लेक्स तीसरी जगह जहां कॉमन सॉल्ट पाया जाता है वो है इनलैंड लेक मतलब इनलैंड लेक वो होती हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई लेक्स होती हैं जो जमीन के इनलैंड इसी लिए कहला जाती है लैंड के अंदर इनलैंड लेक्स ओके तो इनके एग्जांपल हैं सांभर लेक सांभर लेक कहा है राजस्थान ओके okay? इंडिया नेक्स्ट इज ग्रेट लेक ग्रेट लेक उताह उताह एक जगह का नाम है यूएसए ओके एंड थर्ड है थर्ड इसका पाया जाता है लेक एल्टन ओके दैट इज इन रसिया तो समझ आया कि ये इनलैंड लेक कहा है सांभर लेक यहां राजस्थान में पाया जाता है ग्रेट लेक उथा यूएसए में और एल्स लेक एंड टन इन रसिया ओके सो दीज आर द थ्री डिफरेंट अकरेंस ऑफ द कॉमन सॉल्ट कहाँ पाया जाता है पहला है सी वाटर सी वाटर दूसरा रॉक सॉल्ट की फॉर्म में अगर जमीन के आसपास ही है तो तो डग आउट करके और अगर गहरे में है तो पहले पानी पाइप डाल के पानी मिला देते हैं घोल लेते हैं उसको फिर पम्प आउट करके बाहर निकाल लेते हैं ठीक है तीसरा है इनलैंड ये तीन लेक्स के नाम है जहां जहां ये कॉमन सॉल्ट पाया जाता है ओके नाउ कम्स टू वाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ठीक है अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट या फिर इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट प्रॉपर्टीज पहला द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कलरलेस ओके कलरलेस क्रिस्टल है इसके ओके क्रिस्टलाइन है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके मेल्टिंग पॉइंट इज 820 डिग्री सेल्सियस ठीक है बेकिंग में इसी का बहुत बार यूज होता है जिसके यहां ओवन नहीं होता वो लोग क्या करते हैं कढ़ाई में सॉल्ट फिल कर लेते हैं उसको हीट करके फिर उसमें केक वगैरह बेक करते हैं सो मेल्टिंग पॉइंट इसका 820 डिग्री सेल्सियस ठीक है सेकंड सोलूबल ओके इन वाटर सोलूबल इन वाटर कितनी सोलिबिलिटी है थर्टी फाइव पॉइंट एट ग्राम इतना वाटर इन हंड्रेड ग्राम इतना सॉल्ट मच सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है वैसे टेम्परेचर का इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन व्हाट इज द सॉलिबिलिटी इट कैन बी आस्क लाइक सो थर्टी फाइव पॉइंट एट ग्राम सॉल्ट इज डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ये इसकी सॉलिबिलिटी है ओके थर्ड इज ओके एट लो टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर लगभग जीरो से ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के बीच में ये जो होता है एन कैन बी फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके एनएसएल डॉट एच टू ओ दैट इज वॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओके क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक है डॉट टू एस टू है इसका मतलब है क्रिस्टलाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये एंड एन एस सी एल डॉट टू एस टू कॉल्ड क्रिस्टल ऑफ ओके क्रिस्टल फॉर्म ठीक है नेक्स्ट इसकी नेचर कैसी है हाइग्रोस्कोपिक याद करिए आपको मैंने एक बार बताया था है ना हाइग्रोस्कोपिक मीन्स होता है एब्सॉर्व स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है एब्जॉर्ब थोड़ा मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एयर से और क्या हो जाता है बिकम बैट गीला हो जाता है ठीक है आपने बहुत बार देखा होगा नमक का डिब्बा अगर थोड़ा लीक मतलब थोड़ा लूजली पैक्ड होता है लूज तरीके से अगर बंद करेंगे तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो गीला हो जाता है नमक गीला हो जाता है आप टेबल पर थोड़ा सा नमक पड़ा रहने दीजिए दो दिन बाद देखोगे गीला हो जाएगा ठीक है दैट दिस नेचर इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक नेचर दैट मीन्स एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम एयर वाट इट ओके नेक्स्ट फाइव रिएक्शन विद एसिटिक एसिड ओके एक्शन ऑफ एस टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके क्या होगा तो एन ए सी एल वेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स सोडियम बाई सल्फेट एंड एच सी एल इन द फॉर्म ऑफ गैस ये जो ये एरो हो रहा है इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ गैस ओके इन द फॉर्म ऑफ गैस और बैपर वी कैन से बैपर की फॉर्म में एस सी एल गैस निकलती है ठीक है पहला रिएक्शन नेक्स्ट वेन इट रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन तो रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट तो क्या होगा ए जी एनओ थ्री ओके सिल्वर नाइट्रेट वेन रिएक्ट विद एन ए सी एल तो फॉर्म करेगा ए जी सी एल ओके दैट मीन्स वॉट ये डाउनवर्ड एरो मीन्स पीपीटी और अपवर्ड एरो मीन्स गैस समझ गए डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है कि पीपीटी है इनसॉलुबल है पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट इन्सोलुबल प्रेसिपिटेट है और जो कि टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा इसीलिए इसका एरो है डाउनवर्ड नीचे की साइड बैठता है ठीक है इसीलिए जितने भी पीपीटी फॉर्म होते हैं उनमें एरो डाउनवर्ड शो करते हैं दैट इज नॉट इट सेटल एट द बॉटम मतलब ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट ओके एजीसीएल बनाएगा प्लस सोडियम नाइट्रेट ओके सो आर द प्रॉपर्टीज नाव कडरलेस है क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेल्टिंग पॉइंट इसका 820 डिग्री सेल्सियस है सोलबल इन वॉटर है हाउ मच सोलिबिलिटी 35.8 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लो टेम्परेचर पर इट इज फाउंड इन दी क्रिस्टलाइन सॉलिड डॉट टू एस टू ओ दैट इज वॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइग्रोस्कोपिक नेचर है एबजॉर्ब दॉटर फ्रॉम मॉइस्चर है ना वॉटर फ्रॉम एयर मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है बिकम बैट गीला हो जाता है ओके एक्शन ऑफ एस टू एस टू एसओ से रिएक्शन करके सोडियम वाई सल्फेट बनाता है और एस गैस इन दी फॉर्म ऑफ बेपर रिलीज होती है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके एजीसीएल पीपीटी बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है ठीक है दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूजेज यूजेज ऑफ एन या फिर कॉमन सोल्ट कॉमन सॉल्ट के यूजेस क्या है ठीक है ओके सो हिस्स वी आर फॉर यूजेज नंबर वन दैट इज वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट हमारे खाने का बैलेंस डाइट का एक इसेंशियल पार्ट है अगर आप नमक बहुत दिन तक नहीं लेते हैं क्योंकि वो आयोडाइज सॉल्ट होता है तो आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में और हमें ग्वेटर की प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज वॉट इसल पार्ट है डाइट का हमें लेना ही होता है ठीक है नंबर टू यूज यूज एज प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव समझते हैं द समथिंग दैट कैन बी यूज प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसी चीज का यूज करना जिससे कोई चीज खराब होने से बचाई जा सके ठीक है तो प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो चीज को आ, कोई अचार वगैरह को और खाने की किसी चीज को खराब होने से बचाते हैं तो नमक कैन बी यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन पैकेज मीट मीट या फिश की पैकेजिंग के टाइम पर उसको नमक के साथ पैक किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव इसको खराब होने से बचाने के लिए ठीक है नंबर थ्री ओके मिक्सड विद आइस ठीक है आप जानते हैं आइस तो घुलेगी ही बट जब मिक्सड विद आइस अगर नमक मिला दिया जाता है आइस के साथ में तो वो थोड़ा देर में घुलती है दैट मीन्स वॉट इट्स इट्स क्रिएट टू मेक अ फ्रीजिंग क्या बोलते हैं उसको फ्रीजिंग मिक्सचर ठीक है आइस और नमक को मिला दिया जाए तो बहुत देर में घुलती है फिर वो फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है ठीक है पॉइंट नंबर फोर इसका यूज है इट कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप सोप बनाने के काम में आएगा सोप ठीक है पॉटरी ग्लेज ठीक है सोप और पॉटरी ग्लेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड पॉटरी ग्लेज ठीक है पॉटरी मतलब जो बाजार में पॉटरी आती है चाइना बॉन चाइना लाइक और, और तरह की पॉटरी तो उनका बनाने हैं नेक्स्ट इज इट इज आल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल एज रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सो मैनी सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सो मैनी केमिकल्स बहुत सारे केमिकल्स के यूज बनाने के काम में आता है रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कौन कौन से केमिकल जैसे एनओ बनाने में एस के फॉर्मेशन में वॉशिंग सोडा इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ठीक है इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर ओके

सोल्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज कास्टिक सोडा ठीक है ओके कास्टिक सोडा दैट इज ऑल्सो नॉन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं सोडियम हाईड्रोक्साइड ओके इट इज अ स्ट्रांग बेस ठीक है अभी हमने पढ़ा था कि द एनए सी एल इज यूज एन रॉ मटेरियल इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है ठीक है ओके विद द यूज ऑफ एन ए सी एल तो हियर इज द मैन्युफैक्चरिंग हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड ओके सो इट इज प्रिपेयर्ड बाई इट इज प्रिपेर बाई इलेक्ट्रोलिसिस अच्छा किसकी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन ये ब्राइन क्या है ठीक है तो कास्टिक सोडा इज प्रिपेर बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन ठीक है अब ब्राइन क्या है इट इज अ ब्राइन बता रहा हूं इट इज एन एक्व सोल्यूशन ऑफ एन ए सी एल विद वॉटर समझ गए तो ब्राइन क्या है एन एस एल प्लस वॉटर एक सोल्यूशन बन जाएगा और उस सॉल्यूशन को बोलेंगे ब्राइन उस सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिस की जाएगी तो बन जाएगा कास्टिक सोडा फिर से समझेंगे मैन्युफैक्चर कैसे होती है तो एन ए ओ एच ज प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलिस ऑफ ब्राइन ब्राइन क्या सोल्यूशन ऑफ एन एसीएल विद वॉटर ठीक है तो क्वेश्चन आएगा कि वॉट डू यू मीन बाई ब्राइन तो ब्राइन क्या है सोल्यूशन है एन एसीएल प्लस वॉटर का ठीक है एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अलकली प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज नॉन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस है ना एंड एन ए एच इज फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस ठीक है तो एनए एच इज प्रोसेस एनएच इज फॉर्म्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है ये इट इज एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन ठीक है इलेक्ट्रोलिसिस किसकी ब्राइन की ब्राइन क्या है एक्वस सोल्यूशन अब सिंपल सी बात है इसको समझ लेते हैं यहां पर NaCl सी एल प्लस वॉटर तो ये क्या हो गया ब्राइन ठीक है अब ब्राइन की क्या होगी इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा तो ठीक है NaCl कैसे ब्रेक होगा Na पॉजिटिव Cl निगेटिव ठीक है और एस टू ओ कैसे ब्रेक होगा एस टू ओ भी तो ब्रेक होगा तो एन ए सी एल इज ब्रेक लाइक दिस एंड एस टू ओ ब्रेक लाइक एच पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव देखो इतनी समझ गए ठीक है इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो कोई भी कंपाउंड अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है तो वाटर तो ब्रेक हो जाएगा एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव और एन ए सी एल ब्रेक हो जाएगा एन ए पॉजिटिव और सी एल निगेटिव ठीक है इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में दो ही तो देखो आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है यहां सॉल्यूशन ले लिया ठीक है दो टर्मिनल होते हैं और दोनों ही टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है ठीक है तो दो टर्मिनल होते हैं एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड ठीक है और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड ठीक अब एनोड पर क्या होगा देखो एनोड पर एट एनोड एनोड पर होगा सी एल ये जो जितने भी सीएल सी है सारे सी एल जोड़ जोड़कर क्या बन जाएंगे Cl2? टू और कैथोड पर क्या होगा जितने भी एच पॉजिटिव है एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव प्लस एच पॉजिटिव मिलके बन जाएंगे एच टू ठीक है अब बात को समझो एनोड पर तो सीएल निकल जाएगी कैथोड पर एच टू अब इसके में बीच में क्या रह गया बताओ देखो यहां ठीक है एनोड पर क्या निकल गया सीएल टू ओके और कैथोड पर क्या निकल गया एच टू गैस अब यहां क्या बचा यही तो बचा देखो ये बचा और ये बचा तो इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन क्या बचा पॉजिटिव प्लस ओ एच निगेटिव मिला के बन जाएगा एन ए ओ एच ठीक है समझ गए तो सॉल्यूशन आपने पहले क्या लिया था ब्राइन यहां yeah. और ब्राइन से सीएल टू निकल गई एनोड पे और एच टू निकल गया कैथोड पे बाकी के अंदर बच गया एन ए ओ एच दिस इज वॉट द फाइनल सॉल्यूशन ठीक है फाइनली एक्चुअली अगर देखी जाए वैसे रिएक्शन वाइज तो एन ए सी एल प्लस टू एच टू ओ बन जाएगा टू एन एच प्लस सी एल टू प्लस एच टू सी एल टू निकल जाएगी किस पर एनोड पर और एच टू निकल जाएगी कैथोड पर और ये कहाँ रह जाएगा इन द बीकर समझ गए और यहां क्या हुआ है इलेक्ट्रो ये क्या है ब्राइन बस सिंपल सी बात है ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस हुई एनोड पर निकल गई सी एल और सी एल टू क्लोरीन गैस कैथोड पर निकल गई एस टू गैस बीकर के अंदर रह गया एन ए ओ एच दिस इज वर्ट नॉन एज क्लोर अल्कली मैथड क्यों बोलते हैं क्लोर अल्कली मैथड देखो क्लोरीन निकल रही है तो क्लोर मतलब क्लोरीन और अल्कली मीन्स एन ए ओ एच ठीक है तो क्लोरीन निकलती है और एंड एनएओएच की फॉर्मेशन होती है तो क्लोरियर से आया क्लोर और एन ओ एच क्या है एक अलकली ठीक है इसलिए इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अलकली प्रोसेस समझ गए एंड दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्लोर अलकली प्रोसेस इलेक्ट्रोलिस ऑफ ब्राइन समझ गए क्लियर है दिस इज वॉट द फॉर्मेशन इतना इतना समझ जाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एन ए ओ एच ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस होगी ब्राइन क्या है NaCl प्लस वाटर, ठीक है NaCl प्लस वाटर तो ब्राइन उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी ब्रेक हो जाएंगे कैथोड पर निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर निकल जाएगी क्लोरीन गैस क्लियर ना अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूजेस ओके सो हेयर वी आर प्रॉपर अदर यूजेस ऑफ अब देखो क्या 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 निकला है यहां से आप देख रहे हैं हाइड्रो हाइड्रोजन निकली है क्लोरीन निकली है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तीन चीजें प्रिपेयर हुई है ना इस प्रोसेस से तो यूजेस ऑफ पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का ठीक है फिर फिर क्या निकला है यूजेस ऑफ क्लोरीन फिर निकला है यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन जाएगा उसका ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर लास्ट में बचेगा एन चार चीजें मिल जाएंगी तो लास्ट में इसका हो जाएगा यूजेज ऑफ एन ठीक है ठीक चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या यूजेज है सिंपल है ओके सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज यूज एज अ फर्टिलाइजर है ना इन इन मेकिंग ऑफ अमोनिया जो जितने भी फर्टिलाइजर बनते हैं तो हाइड्रोजन इज मैनुफेक्चरिंग ऑफ अमोनिया अमोनिया बनाने के काम में आती है और अमोनिया से फर्टिलाइजर बनते हैं ठीक है समझ आई बात तो एक तो ये यूज हो गया नेक्स्ट है हाइड्रोन हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज इन दाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल हमने पढ़ा है कार्बन और इट्स कंपाउंड चैप्टर में हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑइल ठीक है वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का यूज ठीक है नेक्स्ट यूज ओके हाइड्रोजन इज यूज इन द मेटल अर्जी पढ़ी थी ठीक है मेटलर्जी ऑफ मेटल ऑक्साइड मेटलर्जी में यूज होता है हाइड्रोजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज ए रॉकेट फ्यूल समझ गए हाइड्रोजन के यूज पहले अमोनिया बनाने के काम में आते हैं अमोनिया से फर्टिलाइजर बनते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल होता है मेटलर्जी में यूज होती है रॉकेट फ्यूल के तरह यूज होती है ठीक है क्लोरीन के यूज देखते हैं इज जर्मी साइड जर्मी साइड मतलब इससे जम्स मर जाते हैं इसीलिए क्लोरिनेशन ऑफ वॉटर होता है समझ में आया है ना तो इट इज वॉट डिस इनफेक्टेंट क्लोरीफेक्टेंट ओके तो जो हमारे पास वॉटर आता है पीने का ओके सो दैट इज दैट वॉटर इज क्लोरी क्लोरीनाइज्ड मतलब क्लोरीन उसमें मिला के आती है डिस होता है ओके okay? नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का यूज किसमें होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरोफॉम ओके और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस इन सब में क्लोरीन का यूज होता है नेक्स्ट ओके ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प जो होती है वुड पल्प क्या होता है एक्चुअली पल्प जो होता है वो एक लिक्विड मैस होता है लकड़ी का ठीक है जिससे पेपर बनता है बाद में ठीक है उसको ब्लीचिंग करने के काम में आती है क्लोरीन ठीक है चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके सबसे मेन यूज तो लेबोरेटरी में ही है ओके okay, लेबोरेटरीज में यूज होता है फिर इसका एक्वारेजिया बनाने में एक्वा रेजिया ठीक है एक्वारेजिया क्या होता है सर एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन है मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग विद नाइट्रिक एसिड जिसमें एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन है जिसमें गोल्ड और एंड प्लेटिनम डिजॉल्व हो जाते हैं ठीक है एक्वारेजिया बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग एक्वरिजिया ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओके चलो नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या क्या है पहला है सोप एंड डिटर्जेंट इन फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट नेक्स्ट यूज इज पेपर इंडस्ट्री में ठीक है नेक्स्ट यूज इज आर्टिफिशियल फाइबर सिंथेटिक फाइबर मतलब आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम में आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज कल है ना कलर बनाने के काम में आता है और लेबोरेटरी में भी यूज होता है Okay, so these are the so many uses of the these chemical formed by the process of chloralkali method. Okay, okay? revise the topic. Thank you.